धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिश तेरी अब दुआएं मेरी, कितना हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो खरना की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज का ये ब्लॉग मैं शाम से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही यूपी आ गया था, कुछ मेरा पर्सनल काम था इसलिए मैं यूपी आ गया। तो आज तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा कि खरना में क्या क्या हुआ नहीं हुआ क्योंकि मैं रात को 11-12 बजे घर ही पहुँचूँगा। तो आज ये मिस हो गया मेरा ब्लॉग, पर मेरा कुछ पर्सनल काम था इसलिए मुझे अभी यूपी आना पड़ा है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ व्यू कैसा है यूपी। ये यहाँ के मोहल्ला का व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है और यहाँ पे सनसेट चालू हो गया होना और कुछ ही देर में हम लोग बिहार के लिए निकलेंगे। तो ये मोहल्ला का कुछ ऐसा व्यू है, बहुत प्यारा सा मोहल्ला है, यहाँ आने का काफ़ी मन लगता है यार। अब समथिंग मैं 1 ईयर बाद यहाँ आया हूँ तो जाने का तो मन नहीं करा है, पर वापस लौटना है घर के लिए क्योंकि छठ पूजा है, उसको कैसे मिस कर सकता हूँ, महापर्व है। तो हमारे छत से ये पीछे का सीन बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा लगता है देख के। तो ये कुछ ऐसा व्यू है हमारे पीछे का ग्राउंड का, इसमें बच्चे सब खेलते भी हैं यहाँ पे और बहुत मस्ती करते हैं। और ये रहा कुछ ऐसा सीन यहाँ का पीछे का। ये छत का मेरा बहुत फेवरेट एरिया है, जो मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पर हमेशा टाइम स्पेंड करता हूँ। तो आई थिंक मैं आज इतने दिन बाद आया हूँ, फिर वापस जाऊँगा, थोड़ा मिस करूँगा इस चीज़ को, पर कोई नहीं, वहाँ छठ पूजा मनाना है इसलिए तो जाना तो पड़ेगा। तो अभी निकलेंगे कुछ ही देर में और आपको दिखाएंगे आगे का जनवरी कैसा होता है आज रात का। तो आपको यहाँ का एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इस पर बहुत सारा बंदर रहता था, बहुत सारा बंदर, पता नहीं आज नीचे नहीं रहता था तो मतलब थोड़ा परेशान करता था, पर अच्छा लगता था सबके घर पर लटकना, ये सारे जितने भी घर देखते सब पे बंदर आके लटक जाता था, बहुत सारा डर भी लगता था और देख के अच्छा भी लगता था। तो आज मिस कर रहा हूँ, आज है ही नहीं। तो हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, तो चलिए अब सीधा मिलते हैं गाड़ी में आप लोगों से। रेडी है हमारा गाड़ी जाने के लिए और हम लोग अब निकलते हैं बिहार के लिए। तो फाइनली हम लोग अब बिहार के लिए निकल चुके थे। तो ये वहाँ का प्यारा सा मार्केट का व्यू है, बहुत ही प्यारा मार्केट है, मतलब छोटा सा मार्केट है पर वहाँ सब कुछ अवेलेबल रहता है, एक मॉल भी है, बहुत अच्छा मार्केट है वहाँ का। तो यहाँ से निकल चुके थे तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं छपरा ज़िला। छपरा ज़िला बहुत ही अच्छा था, देख के अच्छा लगा, बहुत प्यारा ज़िला है, बहुत मार्केट थे, मॉल थे और यहाँ पर ये मूर्ति स्तंभ बना हुआ है, बहुत अच्छा लगा। ये गोलम्बर के पास तो ये थाना चौक था, तो हम लोग वहाँ पे रुके थोड़ी देर के लिए। रुकने के बाद फिर एक होटल खोजे, जो मतलब छोटा सा होटल था जहाँ पे खाना मिलता था, हम लोग को लग चुका था भूख तो और होटल का तलाश कर रहे थे, तो ये दिख गया तो यहाँ पे खाना खाने के लिए हम लोग बैठ गए। और मैं वेट कर रहा हूँ कि खाना कब आएगा और हमारा खाना आ चुका है। आने के बाद मेरी मोटी खाने पर टूट पड़ी, लग रही थी कब से भूखी और टूट पड़ी खाने। हम लोग का खाना पीना हो चुका था, उसके बाद आइसक्रीम खाने का बात ही अलग है, खाने का मज़ा आ गया था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपना मुजफ्फरपुर और अपने शहर आने का एक अलग ही खुशी। और ये हमारा प्यारा सा मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है दुर्गा जी का और बहुत प्यारा सा मंदिर है। तो यहाँ से निकलने का सीधा अब 0 माइल पहुँच चुके हैं और 0 माइल पहुँचने के बाद ये होटल गायत्री प्लेस, बहुत अच्छा होटल है। तो अब कुछ ही देर में अपने घर पहुंचेंगे और घर पहुंच के मिलते हैं। लोग यूपी से आ चुके हैं, इसे ट्रैवल करने में तो हालत ख़राब हो चुका है यार, अब रात की 11 बज चुके, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, क्या कर सकते। इस ट्रैवल में थोड़ा मस्ती हुआ, थोड़ा थकान भी हुआ और थोड़ा गुस्सा वाला भी बात हुआ, सब कुछ मिक्स था। ये ट्रैवल तो बहुत अच्छा रहा। तो अभी बैठ के फिर एडिटिंग करना है इस ब्लॉग को, फिर कल के लिए शूट भी करना है, तो अभी जाके मैं एडिटिंग करूँगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अपने कीमती समय में से। और मिलते हैं कल के प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।